किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद टेक्निकल खेती। किसान साथियों, आज बात करेंगे धान के अंदर कितने तरह के ब्लास्ट आते हैं, उनकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी धान की फसल में ब्लास्ट आकर के ख़त्म हो चुका है या नहीं, या फिर बढ़िया दवाएं कौन सी हैं, वो कौन से बेस्ट टॉनिक हैं, आज की वीडियो में कवर करेंगे। ब्लास्ट चार प्रकार के होते हैं। चारों जो ब्लास्ट हैं वो एक ही फंगस द्वारा फैलते हैं, जैसे कि लिप ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। लिप ब्लास्ट दो प्रकार का होता है, एक तो पत्ते के ऊपर थोड़ी सी उल्लू के आँख टाइप की बन जाती है, पहला लक्षण तो ये हो गया, ब्राउन कलर की दिखेगी। दूसरा लक्षण ये जो आकृति है आँख वाली, ये गोल नहीं होती, थोड़ा सा नाव टाइप का दिखाई देता है। किसान साथियों, अब नंबर आता है कॉलर ब्लास्ट का, जहाँ से पत्ता, जो पत्ता स्टार्ट होता है वहाँ होता है, सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है, उसको हम झंडा पत्ता भी बोल देते हैं। इसी पत्ते पर फंगस का अटैक होता है, जिस कारण पत्ता टूट जाता है, इसको हम कॉलर ब्लास्ट बोल देते हैं। और किसान भाइयों, ये जो पत्ता होता है हमारे धानों में बालियां निकलने के बाद, हमारे धान की बालियों को पूरी खुराक यही पत्ता देता है। साथियों, जब ये टूट जाता है तो हमारी बालियों में, जो हमारी धान की बालियां होती हैं साथियों, उसमें चावल पूरी प्रकार से नहीं बन पाता, बहुत पतरा चावल हमारे धान में बन पाता है, जिस कारण हमको अपने खेत में बहुत कम पैदावार देखने को मिलती है। साथियों, अगला नंबर आता है नोड ब्लास्ट का। नोड ब्लास्ट का मतलब होता है हमारे धान के पौधे में जितनी भी गांठें होती हैं, ये फंगस अपना अटैक उन गांठों पर करती है, जिससे कि हमारे धान का तना टूट के गिर जाता है। इससे भी साथियों हमारी फसल में बहुत ज़बरदस्त हमको नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगला नंबर आता है नेक ब्लास्ट का, जिसको किसान भाई अपनी देसी भाषा में गर्दन तोड़ बोल देते हैं। और साथियों, ये जो रोग है, ज़्यादातर जब हमारी धान की फसल पक चुकी होती है तब ये रोग आता है, और साथियों जिसके कारण हमको अपनी धान की फसल में काफ़ी कम पैदावार मिलती है, क्योंकि किसान भाइयों बालियां टूटकर ज़मीन पर गिर जाती हैं, और साथियों और किसान भाइयों उस बाली में बहुत कम दाने में चावल बन पाता है, इससे भी हमको काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों, बात करें इस बीमारी के फैलने की, तो ये जो बीमारी है, ज़्यादा यूरिया डीएपी की मात्रा का प्रयोग करने पर, या साथियों लगातार बरसात होने के कारण ये फंगस हमारे धान की फसल में फैल जाती है, क्योंकि साथियों इसको, इसका अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिसके कारण ये फंगस अपना अटैक शुरू कर देती है। लेकिन किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है कभी कभी ये अपने आप हमारी फसल से ख़त्म भी हो जाती है, वो आप कैसे अपनी फसल में पहचानेंगे, जो आपके पत्ते पर गोल आँख बनी हुई है या नाव के आकार का जो उसके बीच वाला हिस्सा है वो सफ़ेद आकार का है, तो ये समझो कि ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। किसान भाइयों, अब बात आती है इसके इलाज की, तो साथियों
तो किसान भाइयों, जो दवा आप सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं वही दवा है, कोई अभी नई दवा मार्केट में और नहीं आई है। ऑक्सी प्लेस में टेबू 250 ml प्रति एकड़ डोज लेनी है, साथ में आप एंटीबायोटिक ज़रूर मिलाएं। काशू का माइसिन 200 ml मिला सकते हैं। बाकी आप और कोई अच्छा फंजीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथियों, आपको ये स्प्रे सुबह 11 बजे से पहले पहले और शाम को किसान भाइयों 4 बजे के बाद में ही करनी है। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रमोद कुमार मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।